नमस्कार राधे राधे। आशा करता हूँ शक्ति अर्जन का पर्व नवरात्रि आपके लिए बेहतर गया होगा और आपने इस नवरात्रि में शक्ति आराधना करके अपने अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित करते हुए महसूस कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे जो गुरु हैं, जो गुरुता के कारक हैं, जो मुक्ति देने वाले हैं, जो मुक्त कर देते हैं ज्ञान से, जो मुक्त कर देते हैं अपनी कृपा से। ऐसे गुरु महाराज पिछले एक वर्ष से कष्टम भाव में चल रहे थे तो ना चाहते हुए संघर्ष करना पड़ता है। आप सोच लीजिए, जब गुरु को रड़ के क्षेत्र में उतर जाना पड़े, गुरु को स्वतः फंस जाना पड़े, गुरु ही चक्कर लगाने लगे हॉस्पिटल के और कोर्ट के, तो इसका मतलब परिस्थितियां कुछ खराब हैं। तो अभी आपके लिए बेहतर परिणाम मिलेगा मित्र। मैं एक ही आशा और उद्देश्य काम कर रहा हूँ आपके राशि पे कि आज नहीं तो कल बेहतर होगा। हम बात कर रहे हैं वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातकों के लिए। आप वीडियो लग्न और राशि दोनों पे आप देख सकते हैं, क्योंकि 12 माह के आसपास लगभग 79 डेज के लिए गुरु महाराज यहाँ पे करेंगे गोचर। बहुत होता है, जब नीकी दिन आई है बनत न लागी देर, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि अभी अच्छे दिन आ रहे हैं। वो वाले अच्छे दिन नहीं, चुनावी वाले नहीं, ये वास्तव में अच्छे दिन है। तो चर्चा आरंभ करें उससे पहले विनम्र अनुरोध, क्योंकि गुरु गोचर कर रहे हैं और गुरु का काम ही सपोर्ट करना, तो आप हमारे चैनल को सपोर्ट करते हुए आगे बढ़िए। टू द पॉइंट चीज़ें आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। हमारे एक सब्सक्राइबर ने बड़ा अच्छा सा मैसेज मेरे पास व्हाट्सएप पर भेजा। बड़े आप लोग बहुत प्यार करते हैं, कुछ लोग फालतू आके कमेंट करते हैं, क्या आप सबका प्यार को मैं नमन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ इतना स्नेह देने के लिए। भाई रील्स के ज़माने में इतने लंबे लंबे वीडियो आप लोग देख लेते हो तो धन्य ही हो आप। उन्होंने पूछा है कि आपके इतना अच्छा वीडियो होने के बावजूद व्यूज़ कम आते हैं। व्यूज़ जानते हो अच्छा थंबनेल से आता है भाई, थोड़ा चीटिंग, लेकिन मैं वो आपके लिए नहीं कर सकता, तो सॉरी। चर्चा मैं कर रहा हूँ गुरु महाराज के गोचर के लिए। कंसंट्रेट होकर देखिएगा वीडियो, 15 मिनट का हो सकता है लेकिन आपके लिए उपयोगी होगा। कब कहाँ कैसे करेंगे गोचर, किस नक्षत्र पे क्या देंगे प्रभाव, बातें नक्षत्र के अनुसार। हमारा ज्योतिष मंजरी या देवोलाजी दोनों चैनल नक्षत्रों को समर्पित हैं। ये अलग बात है कि मैं थोड़ा भ्रमण पे ज़्यादा रहता हूँ, देख रहे हैं, इसलिए एक जगह कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा हूँ। अगर एक जगह जब कंसंट्रेट हुआ तो बेहतर तरीके से और काम किया जाएगा। तो गुरु महाराज 17 अप्रैल को कृतिका नक्षत्र में प्रवेश कर गए हैं। 1 मई 2024 को ये वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। वृषभ का मतलब ब्रह्मांड में आप देखेंगे तो वृषभ राशि क्या है, ज्योतिष को थोड़ा बड़े फलक पे देखना शुरू करिए, बहुत छोटा फलक नहीं, बड़े फलक पे। तो जब ब्रह्मांड में आप देखेंगे तो वृषभ 2 नंबर की राशि है। पैसा पैसा पैसा, आजकल अच्छे अच्छे स्ट्रॉलॉजर आए हैं, बोलते हैं इस मंत्र का जाप करो पैसे पैसा पैसे पैसा, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये पैसे का है, धन का है, जीवन में जो महत्वपूर्ण चीजों को प्राप्त करने का है उसका है। आपकी कुंडली में क्या है, तो आपके कुंडली में सप्तम भाव हैं, ये आपके व्यापार हैं, आपका जीवन साथी है। तो पहले चीज गुरु पंचम से जा रहे हैं सप्तम में, तो प्रेम विवाह का प्रबल योग, एक वर्ष के अंदर आपका विवाह और वो भी प्रेम विवाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पसंद कर लीजिए, आगे जो है प्रेम का इजहार कर ले जाइए। यहाँ पे स्टार्टिंग में कृतिका नक्षत्र में गोचर करेंगे। पॉइंट टू पॉइंट आपको बता देता हूँ, एक बार मैं गुरु का विजिटिंग कार्ड आपको दे दूँ, फिर उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट आगे बढ़ता हूँ। तो 17 अप्रैल को कृतिका नक्षत्र में गए हैं प्रथम चरण में, 1 मई को दूसरे चरण में जाएंगे, यहाँ पे मकर नवांश का फल देंगे, 15 मई को तीसरे नवांश में जाएंगे, कुंभ नवांश का फल देंगे, और 29 मई को मीन नवांश में चले जाएंगे। गुरु थोड़ा स्पीड पकड़ रहे हैं, जिन नवांशों को गुरु को 1 माह में पूरा करना चाहिए, 1 माह से ज़्यादा समय लेते हैं, उन नवांशों को गुरु 15-15 दिन में पूरा कर रहे हैं। मतलब गुरुजी भी लोग जो है ना, जब एग्जाम नज़दीक आता है तो फटाफट काम करवाते हैं, बस वही वाली बात है। 13 जून को फिर रोहिणी में जाएंगे, रोहिणी मतलब आरोहण करना। तो 13 जून को फर्स्ट चरण में, 28 जून को सेकंड चरण में, 13 जुलाई को तीसरे चरण में, और 31 जुलाई को चतुर्थ चरण में रहेंगे। नवांश मिलेगा पहले मेष नवांश, फिर वृषभ नवांश, मिथुन नवांश, और अंत में कर्क नवांश। 20 अगस्त को मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे, और 22 सितंबर को
दूसरे चरण में जाएंगे और यहीं पे वक्री हो जाएंगे, ठीक है ना। 3 अक्टूबर को वक्री हो रहे हैं, गुरु वक्री भी होंगे 3 अक्टूबर को। तो ये गुरु महाराज की गोचरी स्थित है। अब आपको गुरु महाराज कैसे कैसे फल देंगे, टू द पॉइंट मैं आपको चीज़ें यहाँ से समझा देता हूँ, सॉरी समझा देता हूँ नहीं बता देता हूँ, समझाना और बताना दोनों में फर्क आएगा। तो पहले जा रहे हैं कृतिका नक्षत्र में। कृतिका क्या है? बहुत शक्तिशाली नक्षत्र है, कृतिका तेज नक्षत्र है। कृतिका चीज़ों को काट के व्यवस्थित कर देने का नक्षत्र है, आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक। कृतिका कार्तिकेय का नक्षत्र है, यह सूर्य नारायण का प्रथम नक्षत्र है, सूर्य नारायण। और सूर्य नारायण क्या है? सूर्य नारायण आपके चमक हैं, सूर्य नारायण आपके धमक हैं। तो पहले गुरु महाराज कृतिका में जैसे प्रवेश करेंगे, नौकरी के क्षेत्र में आ रही परेशानियों को टक टक काट देंगे या जला देंगे, स्वाहा। तो खुश हो जाइए, क्योंकि कृतिका में प्रवेश करने के पश्चात आपके नौकरी पे जो परेशानी आ रही थी उसमें कमी आ जाएगी। ख़त्म नहीं होता कोई चीज़, अगर आप ये सोचें कि कोई चीज़ ख़त्म हो गया, ये गोचर है, लेकिन लंबा समय का गोचर है। जैसे मानसून आ जाए ना तो लंबे समय के लिए चलता है, तो ये लंबे समय का मानसून है। इसलिए आपके पंचमेश और द्वितीयेश, धन का स्वामी व्यापार के घर में, प्रेम का स्वामी विवाह के घर में, निश्चित रूप से आपको प्रेम में, विवाह में, धन में, व्यापार में सफलता मिलेगी मिलेगी। अब आपके पात्रता के ऊपर क्या है, देने वाले ने अपनी तरफ से कोई कमी न की, किसको क्या मिला उसकी बात है। तो यहाँ पे कृतिका में सारी चीज़ें मिलेंगी। पिता का भी ग्रोथ होगा, मतलब पिता पिता तो लोगों से अगर आप संबंध अच्छा रखते हैं तो भी आपको सपोर्ट करेंगे। कृतिका चूँकि विध्वंस करके चीज़ों को ठीक करके आगे बढ़ने का नक्षत्र है, कृतिका शक्ति का नक्षत्र है, कृतिका कार्तिकेय का नक्षत्र है। कार्तिकेय को कौन नहीं जानता, देवताओं के सेनापति हैं, लड़ने की गजब की क्षमता है। तो आप संघर्ष करने की क्षमता आपके अंदर आएगी, संघर्ष करके व्यापार में प्रगति प्राप्त करेंगे, संघर्ष करके दाम्पत्य जीवन जो बिगड़ रहा था उसको ठीक कर देंगे। बोलेंगे बहुत हो गया भाई, अब नहीं लड़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे कृतिका में यह फल देंगे। कृतिका का सुफल प्राप्त करने के लिए ना भगवान कार्तिकेय का पूजन करें, या मोर पंख भी रख सकते हैं आप। मोर पंख रखना, कार्तिकेय क्या है, मोर पे उड़ते हैं, मोर की सवारी करते हैं, तो मयूर का चित्र लगा लेना, मोर पंख घर में रख लेना, बेहतर परिणाम देगा। आप चाहें तो कृतिका के मंत्रों का जाप भी करके सुंदर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। ध्यातव्य रहे, परिणाम दे कौन रहा है, गुरु दे रहे हैं। इसलिए आप अपने जो गुरु हैं, गुरुतुल्य लोग हैं ना, उनके चरणों में या उनके सिर पे भी एक ध्वज मोर का पंख लगा दीजिए। भगवान कृष्ण को कौन नहीं जानता, तो जा क्यों मोर पंख क्यों लगा रखे, बहुत गहरा राज है। नॉर्मल ढंग से आप लोग देखते हैं ना उतना गहरा नहीं, बहुत गहरा राज है इसका। इसके बाद ये रोहिणी में जाएंगे। रोहिणी चंद्रमा की अमृत शक्ति है, जो चंद्रमा के अंदर अमृत शक्ति है ना, वो रोहिणी की वजह से है। ये ब्रह्मा जी का इसमें वास माना जाता है, मतलब सृजनात्मक शक्ति है। रोहिणी का मतलब होता है वृद्धि करना, रोहिणी का मतलब होता है विकास करना, उच्चता प्राप्त करना, रोहिणी मतलब सवारी करना। तो आपको एक सवारी मिल रही है, अश्व की सवारी, बैल की सवारी, आजकल तो फरारी मिलती है, ठीक है ना, BMW मिलती है, मतलब बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, हमारे जैसे लोग तो भाई ऐसे ही चलते हैं। तो उच्च स्थान के लिए आरोहण करना है, पॉइंट क्या है, उच्च स्थान के लिए आरोहण आपको करना है। डेफिनेटली यहाँ पे आप आरोहण करते हुए जा रहे हैं, ये आप देखेंगे तो इसका जो प्रतीक चिन्ह है, दो बैलों द्वारा खींची जाने वाली गाड़ी। वृषभ राशि पृथ्वी तत्व को लेकर चलती है, और वृषभ को मैं बैल बोलता हूँ। ये बैल है किसके लिए, जिम्मेदारी लेने के लिए, तो जिम्मेदारी तो आएगी। लेकिन गुरु ज्ञान के कारक हैं, तो ज्ञान ढंग से जिम्मेदारी निर्वहन करेंगे, ऐसा नहीं है कि जो मन में आया सो करेंगे, नहीं, नियमबद्ध तरीके से काम करेंगे। और ये कृतिका में हो सकता है आपके वैवाहिक जीवन के जो चीज़ें हैं ठीक ना हो, लेकिन रोहिणी में भाई आप विवाह में जाओगे तो आप डेट बुक कर लो, बैंड वाजा बुक कर लो, और हमें भी निमंत्रण देना, ठीक है, व्हाट्सएप पे, हम व्हाट्सएप पे आएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपके प्रेम में विकास होगा, जो संबंध बिगड़े थे उनमें खत्म हो जाएंगे, संबंध ठीक होंगे। हमें
एक चीज की लोग शिकायत करते हैं कि आप छात्रों के लिए नहीं बताते, आध्यात्मिक हो जाते हैं, तो यह आप जो छात्रगण है उनके लिए बेहतर परिणाम देख जाएगा। आपके एजुकेशन में 100% सफलता मिलेगी। आप प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा में कोई इंटरव्यू दे रहे हैं या इस बीच आप पढ़ाई कर रहे हैं, कंसंट्रेशन तगड़ा रहेगा। और आप 20 जून के आसपास इंटरव्यू दे रहे हैं ना, लिख लीजिए भाई, सफल हो जाओगे। अब ऐसा नहीं कि 60 करोड़ लोग एक साथ सफल हो जाएंगे। आजकल तो वैकेंसी भी कम आती है, और वैकेंसी आती है पेपर लीक हो जाता है, कोर्ट चली जाती है, तो देख लीजिएगा ग्रह नक्षत्रों को। तो यहाँ पे वाणिज्य की धुरी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वाणिज्य की धुरी, मतलब व्यापार आपका आपके आसपास घूमेगा, आप उसके केंद्र बिंदु होंगे, तो व्यापार में गति पकड़ेगी। व्यापार का मतलब ऐसा नहीं है कि दुकान में सामान बेचिए, हम जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम करते हैं वो व्यापार ही है, एक जगह से सामान ले आना ले जाना ही सारा व्यापार है। रोहिणी निश्चित रूप से धन का, मान का, कीर्ति का, कीर्ति को प्रदान करने वाला नक्षत्र है, तो आपको धन मिलेगा, मान मिलेगा, कीर्ति मिलेगी। ये नक्षत्र लक्ष्मी सरीखा है, मतलब लक्ष्मी की तरह मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, तो यहाँ से आपकी आर्थिक विपन्नता, आर्थिक स्थिति, हालांकि ऐसा नहीं है, मैं बहुत से वृश्चिक राशि वालों को जानता हूँ जो करोड़ करोड़ पति हैं, ठीक अरब पति हैं, लेकिन कुछ वृश्चिक राशि वाले बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके वृश्चिक राशि का ही तो प्राइम मिनिस्टर है, राहुल गांधी भी वृश्चिक राशि के हैं, तो यहाँ से आप आर्थिक स्थिति में आप मजबूत होते हुए बढ़ेंगे। यह सर्प योनि को दर्शाता है, और सर्प योनि प्रेम के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है, कहते हैं ना एक सब को मार दो दूसरा फन फटक के मर जाता है, मतलब पूर्ण समर्पण का है। तो यह नक्षत्र रति कुशल है, क्या है, रति कुशल है, अर्थात रति कुशलता आपके अंदर आएगी, जीवन साथी के साथ प्रेम आपका अच्छा रहेगा। ध्यातव्य रहे 64 गुण में जो काम कला के 64 गुण होते हैं ना, उसमें 36 गुण, ठीक है, नहीं सॉरी 32 गुण, 32 गुण रोहिणी की अकेले के पास है, इसलिए रोहिणी वाले जो है अक्सर प्रेम में बहुत माहिर होते हैं, उनको पता होता है कब कहाँ किसको मनाना है, किससे मनाना नहीं, बिहेव कैसे करना है, नेचर। तो इस नक्षत्र की शुभ फल प्राप्त करने के लिए, इस नक्षत्र का शुभ फल प्राप्त करने के लिए आपको गाय की सेवा करनी चाहिए, ठीक है, भगवान कृष्ण की आराधना करिए, बेहतर परिणाम मिलेगा। ठीक है, देवता तो बहुत है, देवता सब हैं, सब परमपिता परमात्मा के स्वरूप हैं, लेकिन जो कृष्ण है ना, बात ही कुछ अलग है। आप सबकी भक्ति करके देखो, एक बार उनकी भक्ति करके देखना, फिर और कुछ आपको समझ में नहीं आएगा। बहुत मज़ेदार भगवान है, बहुत ही आनंददायक भगवान है, ठीक है ना। तो गाय की सेवा करना या मोर पंख को रखना, भगवान कृष्ण की सेवा करना, कृष्णम वंदे जगद्गुरु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने पृथक क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। थोड़ी सी मेहनत करो, राम जी को स्थापित कर दियो हो ना, थोड़ी सी इस बार अच्छे से वोटिंग कराओ, कृष्ण जी भी स्थापित हो जाएंगे। ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, मुझे नहीं कहना कि उसको वोट देना है आपको। इसके बाद ये मृगशिरा नक्षत्र में जाएंगे। मृगशिरा नक्षत्र औषधि का नक्षत्र है, आरोग्य प्रदान करने वाला नक्षत्र है, लेकिन जितना मैं मृगशिरा को जानता हूँ, या सॉरी मैं जानता हूँ मतलब जितना मैंने पढ़ा है, मृगशिरा भटकाव देता है, मृगशिरा अच्छे अच्छों को ठग लेता है, मृगशिरा चंचलता देता है, मृगशिरा संबंधों में गिरावट देता है, मृगशिरा का आकर्षण बहुत गजब का है, बुद्धि और विवेक का हरण कर लेता है, नहीं दिमाग काम नहीं करता, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, भ्रष्ट हो जाने मतलब हमारी आपकी भ्रष्ट हो जाती है। अब आप इसको कहेंगे ऐसा कैसे, तो भाई भगवान राम भी तो मृग के द्वारा चले गए, एक उम्र कटी रोते रोते तब जाकर पता चला सोने के हिरण नहीं होते, छल लिया भाई, हालांकि यह उनकी माया थी तो माया ही, उनको कौन छल सकता है। तो यहाँ पे आपको देखें सीता का हरण का कारण भी मृग ही बनता है। महाभारत का आप युद्ध देखेंगे तो एक राजा हुए थे जिनकी ये संतान है, जिनकी कथा हम पढ़ते हैं, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर, अर्जुन के पिता पांडव,
मृग की वजह से ही तो पांडु भी संभोगी क्षमता से सदा सदा के लिए अलग कर दिए गए। तो यहां पे भी मृग है। और अंत में आप देखिए, भगवान कृष्ण मृग के भ्रम में ही उनको वहां लगता है, जो बहेलिया होता है उसको उनके चरण कैसे दिखते हैं, लगता है यार ये तो मृग का मस्तक है, चमक रहा है, और उनके चरणों पे वो प्रहार करता है मृग समझ के, और अंत में इस धराधाम को छोड़ने का कारण भी मृग ही बनता है। तो यह जो मृगशिरा नक्षत्र है यह आकर्षण है, मृगशिरा में धोखा तो है लेकिन मृगशिरा कस्तूरी देने का नक्षत्र है। कस्तूरी कुंडल वसै मृग ढूंढ ही बनमाई, ऐसे घट घट राम है दुनिया देख ही ना। तो तीनों नक्षत्रों को मैंने बता दिया। अब चलिए आपको कैसे कहाँ क्या फल मिलेगा उसकी हम चर्चा आपको बताते हैं। तो ये 17 अप्रैल से प्रवेश कर गए हैं, 1 मई को चले जाएंगे आपके व्यवसाय के घर में। तो 1 मई से आपके व्यवसाय में गति पकड़ेंगे। पहले जाएंगे मकर नवास में, मतलब मेहनत करने वाले होंगे, मेहनत से आप फायदा उठाएंगे, बंधु बांधव आपको सपोर्ट करेंगे, मित्रगण सपोर्ट करेंगे। 15 मई को कुंभ नवास में चलेंगे, घर संबंधी कोई कार्य, गृह संबंधी कोई अवरोध आ रहा है, गृह संबंधी अवरोधों को आप खत्म करके आगे बढ़ेंगे, घर ले लेंगे, गाड़ी लेंगे, या घर गाड़ी के लिए जो काम आपको करना है वो आप काम कर ले जाएंगे। 29 मई को, 29 मई को ये मीन नवांश में प्रवेश करेंगे, प्रेम का प्रकटीकरण। तो भाई आप देख लीजिए, फूल वूल खरीद लीजिए, गुलदस्ता उलदस्ता ले लीजिए, और इजहार करने के लिए कोटेशन वोटेशन रट लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि प्रेम के इजहार में आप कितने भी वाचाल हो वहाँ पर वाणी विलुप्त ही हो जाती है। तो यहाँ पर आपको लाभ होगा, प्रेम प्रेम विवाह विवाह का सुंदर योग बन रहा है। जो लोग आपके वृश्चिक राशि में हैं वो विवाह करना चाहते हैं, विवाह अभी तक नहीं हुआ है, तो विवाह आपका आने वाले 1 वर्ष में हो जाएगा। बंड मजा व्यवस्था हो रही है, और ये व्यवस्था हो रही है आपकी कुंडली में 29 मई के बाद, और हम चाहेंगे जून तक आप या जुलाई तक बढ़ जाइए। और 13 जून को ये चले जाएंगे रोहिणी में, रोहिणी मतलब आरोहण करना, प्रेम का नक्षत्र है, और यहाँ से प्रेम करते हुए जाएंगे। पहले ये मेष नवांश में जाएंगे, तो जो आपके थोड़े से अगर आपसे संबंध जीवन साथी से खराब थे, आप कोर्ट में चले गए, तो कोर्ट से केस वापस ले लेंगे, या कोर्ट में सलटा लेंगे, या तो इधर या उधर बोलेंगे ठीक है यार आ जाओ साथ में रहते हैं, नहीं है तो आप मुक्त हम मुक्त। 28 जून को ये वृषभ में जाएंगे, व्यापार में गति पकड़ेंगे, धन रूप से धनात्मक रूप से 100% मजबूत होंगे, व्यापार आपका बहुत अच्छा चलेगा। 13 जुलाई को मिथुन नवांश में जाएंगे, ससुराल वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे, ससुराल से संबंध आपके ठीक होंगे। और 31 जुलाई को कर्क नवांश में जाएंगे, भाग्योदय का श्रेष्ठ अवसर। अगर आप भाग्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो यहाँ पे भाग्य आपका सपोर्ट करेगा, बोलेगा वेलकम सर, मैं तो आपके लिए वेट ही कर रहा हूँ, प्लीज कम। 20 अगस्त को मृगशिरा में जाएंगे, मृगशिरा में चंचलता बढ़ेगी, रोहिणी में प्रेम का प्रकटीकरण होगा, प्रेम बढ़ेगा, शारीरिक संबंध अच्छे होंगे, लेकिन मृगशिरा में भटकाव भी आएगा। मृगशिरा मंगल का नक्षत्र है, अतः यहाँ पे आपकी एनर्जी लेवल तो हाई होगी, लेकिन यह भटकाव देता है, खींचता है, आकर्षण है, तो आकर्षण से ज्यादा मत फंसिएगा, क्योंकि ज्यादातर चीजें देखिए दही के धोखे में चूना खा लोगे पेट कट जाएगा, खराब हो जाएगा। इंडियन डायमंड के चक्कर में अमेरिकन डायमंड खरीद लोगे ना ठगे जाओगे, गोल्डन बाउल आपने कहानी पढ़ी होगी, बस वैसे ही है। तो यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं 20 अगस्त को, तो 20 अगस्त से लेके 26 अक्टूबर तक थोड़ा सा सावधानी से चलेगा, ठीक है। और 28 नवंबर से फिर ये चले जाएंगे रोहिणी में आरोहण करते हुए, तो 3 अक्टूबर को वक्री भी तो हो रहे हैं, तो वक्री में कोई दिक्कत नहीं है, बड़े ग्रहों का वक्री कुछ चीज़ों को रिपीट कराता है, पुनः करा देता है। प्रेम, आपने किसी से प्रेम किया, उसने अस्वीकार कर दिया, फिर आप प्रकटीकरण करिए, बोलेगा यार दूसरी बारी बेचारा बोल रहा है या बेचारी बोल रही है, चलो स्वीकार कर लेते हैं। तो यहाँ पे श्रेष्ठ लाभ आपको देता हुआ जाएगा। पहला काम क्या करेगा मित्र, अगर आपको पता है वृश्चिक आपकी लगन है तो गुरु को मजबूत करिए, मजबूत करने के लिए ओम ग्राम ग्रीम ग्रम सह गुरुवे नमः का जाप करिए, येलो कलर का कपड़ा पहन के रखिए, और येलो कलर का चंदन मस्तक पे कंठ में नाभे में लगाइए, अपने गुरु या गुरुतुल्य लोगों को प्रणाम करते हुए चलिए। जब भी गुरु के पास जाइए येलो कलर का फूल जरूर चढ़ाइएगा, भगवान कृष्ण को या अपने आराध्य के पास एक मोर पंख रखिएगा, या जहाँ आप पढ़ते हैं डाइनिंग टेबल है, आपका डाइनिंग हॉल है वहाँ पे रख सकते हैं, स्टडी टेबल पे आप रख सकते हैं, आप अपने फैन में मोर पंख बांध सकते हैं, बहुत सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होगी। मृगशिरा में जैसे जाते हैं
तब थोड़ा सा ध्यान रखना है, थोड़ा सा कंसंट्रेट रहना है, एकाग्र रखना है। आप चाहें तो एक पुखराज भी धारण कर सकते हैं, आप चाहें तो एक वर्ष के लिए पुखराज धारण कर सकते हैं, महादशा अंतरसों को चेक कर लीजिएगा। तो भाई हमारी तरफ से आपको मंगलमय शुभकामना, एक वर्ष बेहतर जा रहा है, चाहे आप भौतिक जगत में हैं चाहे आध्यात्मिक जगत में हैं, आप संतान की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ना चाहते हैं, 20 जून के बाद बहुत अच्छा योग आपके लिए बन रहा है। आप एजुकेशन के क्षेत्र में हैं, डेफिनेटली आपका पराक्रम आपको बोलेगा, आपको सफलता मिलेगी। आप प्रेम संबंधों में आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रेमी आपका, प्रेमिका आपकी मान जाएगी और आप आगे लव लाइफ आपकी बेहतर जाएगी, प्रेम विवाह होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे धन भाव के कारकों के व्यापार के घर में जा रहे हैं तो धन भी बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा, धनात्मक रूप से मजबूत होंगे, व्यापारिक दृष्टिकोण से मजबूत होंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि आपके लगन पे होगी तो आपका व्यक्तित्व निखर कर आएगा, पंचम दृष्टि आपके कुंडली में लाभ के घर में होगी तो लाभ आपको प्रेम पूर्ण ढंग से लाभ मिलेगा, नवम दृष्टि आपके पराक्रम के घर पे होगी तो डेफिनेटली आप पराक्रमी होंगे, बंधु बांधव मित्रगण आपके सपोर्ट करेंगे। भाई मतलब भुजा, मित्र मतलब भुजा, तो अगर भुजाएं आपकी मजबूत है ना तो फिर पीछे मुड़ के देखना बंद करिए, आगे बढ़िए तो बेहतर परिणाम मिलेगा। हमारी तरफ से जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी हमें लगता है मैंने आपको बता दी। गुरु को मजबूत करके रखिए, गुरु गुरुतुल लोगों को प्रणाम करके चलिए, परिणाम आपके फेवर में आएगा। किसी तरह की नशा से, इस तरह की प्रवृत्ति से दूर रहिएगा, क्योंकि आप आध्यात्मिक जगत में हैं या भौतिक जगत में हैं, दोनों जगत में गुरु आपको श्रेष्ठ फल देने वाले हैं, बस नशा नाश की जड़ है। ठीक, तो हर हर महादेव आपके लिए, जय श्री राम। एक अंतिम एक बार और निवेदन, क्योंकि ये रोहिणी की हम बात कर रहे थे तो हम चाहते हैं कि भाई भगवान रामलला तो अयोध्या में आ गए हैं, भगवान कृष्ण की जो जन्मभूमि है, जो मलेच्छों द्वारा अधिगृहित है। कुमार विश्वास की एक बड़ी अच्छी लाइन है कि मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, क्या मस्जिदें नहीं बना सकते थे मंदिरों को छोड़कर। विचार करिएगा, वो दरअसल आपको अपमानित करना चाहते हैं, तो आपकी एक एक वोट बहुत कुछ परिवर्तित कर रही है। तो किसको देना है जरूर ध्यान रखिएगा, जो आपके सनातन धर्म की शक्तियों से लड़ रहे हैं, जो सनातन धर्म के आपको मलेरिया बता रहे हैं, रोग बता रहे हैं, उनको प्रतिकार करिएगा, यह भी आपकी आवश्यक जिम्मेदारी है। क्योंकि धर्मो रक्षति रक्षिता, यहीं पर है कि आप साधना कर सकते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, राधे राधे करते रहिए। जय श्री राम, जय जगदम्ब।